नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव से बीजेपी के उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर अपना नाम वापस लिया है। संजय उपाध्याय ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग में तय हुआ कि मुझे अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी है। ऐसे में पार्टी के एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने इसका पालन किया और अपना नाम वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के नाते जो मैंने पर्चा भरा था, आज उसे वापस लिया है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी में निर्णय हुआ, उसकी मुझे सूचना दी गई, उसके आदेश के अनुसार मैंने अपना निर्णय लिया है। मुझ पर जो विश्वास दिया, इसके लिए मैं प्रदेश के सभी नेताओं का, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय चंद्रकांत दादा का आभार व्यक्त करता हूं। सर, नामांकन वापस लेने के लिए क्या सूचना की गई थी पार्टी द्वारा आपको, कि क्या वजह रही थी जो नामांकन वापस लेना? कांग्रेस के नेता नाना पटोले और बाला साहेब थोरात, ये हमारे नेता देवेंद्र जी के पास गए थे। यह चुनाव बिन विरोध हो, महाराष्ट्र की परंपरा है, ऐसा उन्होंने विनंती किया था। उनके विनंती को मान रखे हमारी कोर कमेटी ने निर्णय लिया और उसके अनुसार मैंने आज का निर्णय लिया। संजय उपाध्याय के नाम वापस लेने के बाद अब कांग्रेस नेता रजनी पाटिल का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस से रजनी पाटिल उम्मीदवार हैं। संजय के नाम वापस लेने के बाद अब रजनी पाटिल के निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने का रास्ता साफ हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी ने कांग्रेस के साथ किए गए वादे को निभाया है। दरअसल कांग्रेस की रजनी पाटिल के सामने बीजेपी के संजय उपाध्याय को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीते हफ्ते कहा था कि ये परंपरा सही नहीं है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उम्मीदवार न उतारने की अपील करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में ये परंपरा है कि अगर किसी सदस्य की मौत से सीट खाली होती है तो उस पर चुनाव नहीं होता बल्कि निर्विरोध चुना जाता है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सांसद राजीव सातव की मौत के चलते ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस से किए गए वादे के तहत बीजेपी ने उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।